नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर प्रहार भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता को उपहार भी दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में अब एक और नई तस्वीर सामने आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार बिहार के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरे के दौरान वो क्या सौगात देंगे या लालू यादव पर तंज कसेंगे, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसी को लेकर एक छोटा सा समीकरण हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि लालू यादव के जंगल राज को याद दिलाते हुए चाहे जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो, किसी के पास भी शब्द कम नहीं पड़ते। इसलिए माना यह जा रहा है कि लालू यादव के उसी जंगल राज को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर दिखाएंगे। लेकिन इन सबके बीच में अब ये भी सवाल बन रहा है कि लालू यादव के परिवारवाद, तो चलिए डंके की चोट पर लालू यादव कह देते हैं कि वो परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर वो दर्शा भी देते हैं अपने क्रियाकलापों के हिसाब से। लेकिन वहां पर ये देखिए कि बीजेपी जो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहती है, वही बीजेपी जो हमेशा परिवारवाद के ऊपर तंज कसती रहती है, इस बार उनके साथ भी गठबंधन में एक ऐसी पार्टी है जो कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है और ये पार्टी है रामविलास के बेटे चिराग पासवान की पार्टी। देखिए उनकी तरफ से जो अपनी पार्टी को लेकर के वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो वो अपने रिश्ते नातों को खासा ध्यान दे रहे हैं, उन्हें बड़ी बड़ी जगह भी दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने जीजा को भी इस बार सांसद के चुनाव में उतार दिया है, सांसद बनाने की होड़ में उन्हें आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में यहाँ नीतीश कुमार हो या फिर उनके ऊपर तंज कसना हो या फिर तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, तो देखिए उन्होंने भी इस बात को लेकर के खुलकर के कहा था कि इस बार पीएम मोदी किस मुंह से चिराग पासवान के लिए वोट मांगेंगे, क्योंकि वो भी परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं लेकिन उन्हीं के साथ जुड़े हुए गठबंधन के लोग या उन्हीं की पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जंगल राज और परिवारवाद पर ही पीएम मोदी बोलेंगे या फिर बिहार को कोई उपहार भी देंगे। देखिए यहाँ पर उपहार के नाम पर एक विशेष चीज है जो सामने निकल कर के आ रही है और वो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग। ये वर्षों से उठता रहा है, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, हर किसी ने अपनी तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर के लगातार कई बार मांग उठाई है। लेकिन देखिए मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। 10 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बावजूद उसके अभी तक बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिला है। अब देखना यह है कि विशेष राज्य का दर्जा, क्या ये उपहार इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को देख करके जाएंगे या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग की क्या तक है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महुआ खबर।